तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के YouTube चैनल में। दोस्तों 5 अक्टूबर से हमारे सामने होगा क्रिकेट का महाकुंभ यानी कि वर्ल्ड कप 2023 और फिलहाल सभी टीम्स प्रैक्टिस मैचेस में अपना पसीना बहा रही हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, जहां बांग्लादेश ने श्रीलंका को और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा कर अपनी काबिलियत जाहिर करी है। दोस्तों जितनी जरूरत होती है पूरे टीम के एक साथ प्रदर्शन करने की, उतनी ही जरूरत और उतनी ही अहमियत होती है एक अच्छे कप्तान की। तो आइए आज हम बात करते हैं सभी टीम्स के उन धाकड़ कप्तानों के बारे में और देखते हैं कि आखिर किस कप्तान में है कितना दम। शुरुआत करते हैं भारत के साथ। दोस्तों इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के अकेले प्लेयर हैं। 36 साल के रोहित 251 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और 10,112 रन अपने खाते में जोड़े हैं। वहीं 52 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 3,677 और 148 T20 मुकाबलों में 3,853 रन बनाए हैं और इन्हें सपोर्ट मिलता है विराट कोहली, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे उम्दा खिलाड़ियों का। बात अगर करें डिफेंडिंग चैंपियंस की यानी कि इंग्लैंड की, तो भैया 2019 की चैंपियन इंग्लैंड की कमान 33 साल के जॉस बटलर के हाथों में है। विकेटकीपर बल्लेबाज बटलर ओपनिंग में धमाल मचाने की काबिलियत रखते हैं। उन्होंने अब तक 169 वनडे मैचेस खेले हैं जिसमें 4,823 रन्स इनके खाते में हैं। उनके नाम 11 शतक भी हैं। इंग्लैंड इस बार खिताब की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है क्योंकि भैया इनके पास 9th डाउन तक का हैवी बैटिंग लाइनअप मौजूद है, जहां पर जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, दाविद मलान, हैरी ब्रूक और लियम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। हमारे अगले कप्तान हैं पिछले साल के फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड की ओर से केन विलियमसन। ये एक ऐसा चेहरा है जिसे हर एक क्रिकेट फैन जानता है। आईपीएल में हुई इंजरी के बाद से भले ही ये मैदान से बाहर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस मैच के दौरान इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी। हालांकि रिटायर हर्ट जरूर हुए हैं, लेकिन इस बार विलियमसन अपनी टीम को खिताब जिताने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। उन्होंने अब तक 161 वनडे मैचेस में 6,554 रन्स बनाए हैं और प्रैक्टिस मैच के दौरान जो परफॉर्मेंस हमें रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनर, डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन जैसे युवा खिलाड़ियों से मिली है, डेफिनेटली केन विलियमसन यहां पर एक मजबूत पक्ष रख सकते हैं। बारी आती है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसे 28 साल के बाबर आजम लीड करते नजर आ रहे हैं। भले ही पाकिस्तान के पिछले कुछ महीने अच्छे नहीं गुजरे, एशिया कप में एक मजबूत टीम होने के बावजूद पाकिस्तान बाहर हुई। नजीम शाह जैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं था, लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि बाबर के साथ साथ सभी ज्यादातर पाकिस्तानी प्लेयर पहली बार भारत का दौरा कर रहे हैं। बाबर ने अब तक 108 वनडे मुकाबले खेले हैं जिसमें 19 शतक मौजूद हैं और 5,409 रन इनके खाते में शामिल हैं। दोस्तों क्या आप पाकिस्तान टीम को टॉप 4 में देख सकते हैं? आपका क्या प्रेडिक्शन है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे अगले कप्तान हैं साउथ अफ्रीका टीम के टेम्पा बवुमा। 33 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज बवुमा मिडिल ऑर्डर में उतरते हैं और फिलहाल अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक 30 वनडे मुकाबलों में 1,367 रन्स बनाए हैं। बवुमा ने 56 टेस्ट मैच भी खेले हैं और 2,997 रन्स बनाए हैं। वहीं 36 T20 मुकाबलों में इनके खाते में है 670 रन। अच्छी बात यह है कि हाल ही में हुई बायलेटरल सीरीज में बवुमा का बल्ला बोला है। आते हैं 5 टाइम की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की ओर। टीम की कप्तानी इस बार संभाल रहे हैं पैट कमिंस। भाई ऑस्ट्रेलिया ने पिछला वर्ल्ड कप 2015 में जीता था और अब एक बार फिर वो अपनी पूरी पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ 2023 में शिरकत करते नजर आएंगे, जिसे लीड करेंगे 30 साल के गेंदबाज पैट कमिंस। अभी तक 77 मैचेस में इनके खाते में है 126 विकेट्स और इन्हें सपोर्ट मिलता है मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, जॉश हेजलवुड जैसे खिलाड़ियों का। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश टीम की। हाल फिलहाल हमने बांग्लादेश में एक सिविल वॉर की छोटी सी कंट्रोवर्सी देखी थी एक्स क्रिकेटर तमीम इकबाल और कप्तान शाकिब अल हसन के बीच। हालांकि तमीम इकबाल ने शाकिब के साथ किसी भी तरीके के झगड़े से साफ इनकार किया है। बात अगर शाकिब की करें तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर के उम्दा बल्लेबाज, जो कि बांग्लादेश के लिए एक एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं, जिन्हें 240 वनडे मैचेस का अनुभव है और खाते में है 7,384 रन्स और साथ ही साथ 308 विकेट। वहीं अगर बात करें श्रीलंका की, तो दोस्तों एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद फाइनल में मिली हार का बदला इस बार श्रीलंका वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दे सकती है, क्योंकि यहां पर टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं 32 साल के डसुन शनाका।
वार्मअप मैच में भले ही बांग्लादेश के खिलाफ इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पथुम निशंका, धनंजय डिसिल्वा, लहिरू कुमारा जैसे खिलाड़ियों का साथ मिलने के बाद कप्तान डसून शना का एज एन ऑलराउंडर टीम के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। उन्होंने अब तक 67 वनडे मुकाबले खेले हैं जिसमें 1204 रन शामिल हैं और साथ ही साथ 27 विकेट भी इनके खाते में मौजूद हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है अफगानिस्तान का। टीम की कप्तानी हशमतुल्ला शहीदी संभाल रहे हैं। 28 साल के शहीदी टॉप ऑर्डर के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 64 वनडे मैचेस खेले हैं जिसमें की 1775 रन बनाए हैं। शायद ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं जो कि टीम के लिए भारतीय ट्रैक को देखते हुए एक अच्छा अवसर माना जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे नीदरलैंड्स की। भाई टीम की कप्तानी 27 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज स्कॉट एडवर्ड्स के हाथों में है। उन्होंने अब तक 38 वनडे मुकाबले खेले हैं जिसमें कि 1212 रन इन्होंने बनाए हैं। जाहिर है कि इस वर्ल्ड कप का सबसे युवा कप्तान नीदरलैंड्स के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब दोस्तों इन सभी 10 टीम्स के लीडर्स के बारे में जानने के बाद आपके लिहाज से कौन सा कप्तान सभी कप्तानों पे भारी पड़ता नजर आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।